नमस्कार। रोलेंड XP60 कीबोर्ड में आज हम एक ऐसे फंक्शन के ऊपर काम करते हैं जिसको नॉर्मली हम कहते हैं LPF और HPF। तो देखिए, ये क्या है, कैसे है, उसका साउंड में क्या-क्या रोल होता है और एक्चुअली वो है क्या। तो जैसे अभी हमारे सामने यहाँ पर एक प्रीसेट सेक्शन में बी बैंक में 113 नंबर का एक साउंड है। और आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो नॉर्मली ये तीन साउंड से बनाया हुआ साउंड है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका रेंज 127 करना है, क्योंकि ये साउंड अलग अलग फीचर में था ना, यहाँ पर 127। तो अभी हम लोग सिर्फ एक ही साउंड का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, और इसको और थोड़ा समझना है अपने को। पहले इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तो आगे जो होगा वो हमें समझ में आएगा। इसके लिए हमें ये करना है, यहां से हम पहले इसका गेन बढ़ा देते हैं। हाँ, तो यहां तक तो हम नॉर्मली कोई भी साउंड अगर हम लोग एडिट करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये तो करना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं TVF। तो TVF में अगर हम देखते हैं तो यहां पर ये है LPF, लो पास फ्रीक्वेंसी, ये हो गया बैंड पास फिल्टर। और HPF मींस हाई पास फिल्टर, सॉरी, ये LPF मतलब लो पास फिल्टर है, ये बैंड पास फिल्टर है और ये है हाई पास फिल्टर। अगर यही चीज को अगर हम नॉर्मली सिंगल टोन में देखते हैं तो इसका स्क्रीन पे फिगर हमें कुछ ऐसा देखेगा। ये बैंड पास फिल्टर का सिचुएशन ये है, हाई पास फिल्टर ये PKG, ये है LPF लो पास फिल्टर। और यहां से जैसे उसका फ्रीक्वेंसी हमें जो प्लस माइनस करना है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लो पास फिल्टर क्या है और हाई पास फिल्टर क्या है और बैंड पास फिल्टर क्या है। तो जस्ट एक हम इमेजिन करें अगर कि जो भी हमारे साउंड की जो फ्रीक्वेंसीज है, नॉर्मली हम जैसे थ्री वे साउंड सिस्टम कहते हैं, उसमें जो हमारे साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है तो उसमें जो पतले साउंड होते हैं, बारीक साउंड होते हैं, वो हमेशा हमें हाईज में या उस स्पीकर में से साउंड मिलते हैं जो हाईज को, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए बने होते हैं। तो उन्हीं स्पीकर में से सिर्फ हम हाई फ्रिक्वेंसी सुन पाते हैं। और जो बड़े स्पीकर होते हैं, बेस स्पीकर होते हैं, और उसमें से नॉर्मली हम लोग लो फ्रिक्वेंसी का साउंड सुनते हैं। तो इस हिसाब से साउंड इंजीनियरिंग होता है। अभी हम लोग यहाँ पर जैसे कीबोर्ड में देखते हैं तो ये LPF अगर हम जब करते हैं तो इसका मतलब ये करेगा कि अभी जो फिल्टर है, मतलब एक दरवाजा है, और उस दरवाजे में से या फिर उस विंडो में से सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी वाले ही साउंड उसमें से पसार होंगे, हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड वहां पर से पास नहीं हो पाएंगे। तो मतलब हमें आउटपुट वही मिलेगा जिसमें ज्यादातर लो फ्रिक्वेंसी के साउंड होंगे। जैसे HPF हम देखते हैं, हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर में क्या होगा कि हमारा जो हाई फ्रिक्वेंसी के जो साउंड्स है वही इसमें से डिलीवर होंगे। तो अभी जैसे मैं आपको सिर्फ यहां से ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर यही हमारा ये नॉर्मल LPF है तो ये हो गया हमारा लो पास फिल्टर। इसको अगर मैं हाई पास कर देता हूं तो अब आप देखेंगे जो आवाज आपको सुनाई देगी वो बिल्कुल पतली साउंड होगी, जिसको हम हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड कहते हैं। यही हमारा साउंड है, वही सेक्सोफोन का साउंड है। इसको मैंने HPF कर दिया, मतलब अभी वो सिर्फ उसमें से जो हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड है वही अभी बाहर निकल रहा है। और उसी को अगर मैं LPF मतलब लो फ्रीक्वेंसी कर देता हूं तो इस हिसाब से अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे सामने एक ही साउंड है लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट, हमारा साउंड मशीन जो है वो हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड यहां से बाहर निकाल दे रहा है। मतलब ये इक्वलाइजर का काम नहीं है, ये LPF, देन फिर हमारा ये BPF और ये HPF और PKG,
ये सब अलग अलग फिल्टर्स हैं और उन्हीं फिल्टर्स में से हम जो भी साउंड हमें जो जो फ्रिक्वेंसी का साउंड हमें चाहिए वो हम यहाँ से निकालते हैं, और बाकी उसको जो हम उस फ्रिक्वेंसी को पर्टिकुलर कौन से फ्रिक्वेंसी का साउंड हमें बाहर निकालना है बहुत डिटेल में अगर आपको काम करना है, जैसे हम कोई परकशन का साउंड इसके साथ ले रहे हैं और उसी टाइम हमें अगर पर्टिकुलर सिलेक्टेड फ्रिक्वेंसी का साउंड अगर हमें बाहर निकालना है तो भी हम उसको यहाँ से लेवल उसका प्लस माइनस करके सेट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ एक काम करते हैं कि ये LPF है, तो नॉर्मली हम दो अलग अलग फिल्टर के साउंड मिक्स के करने के बाद हम उसमें से और क्या कर सकते हैं इसके ऊपर सबसे पहले आज हम काम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले ये पैलेट कर लेते हैं। पैलेट में अभी जैसे यहाँ पर हमारा ये एक ही साउंड ओपन है, बाकी के दो साउंड मैंने ऑफ किए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे एज यूजुअल हमारा यूटिलिटी के हिसाब से एक नंबर का साउंड है उसको हम दो नंबर पे पेस्ट कर देते हैं। मतलब ये प्रैक्टिस मैं हमेशा इसीलिए करता हूँ ताकि हमें उन्हीं सब चीजों को सेम पैरामीटर्स के लिए कोई सेकेंड थॉट नहीं आएगा कि वही पैरामीटर ये दो नंबर पे होंगे नहीं होंगे, तो हमें सीधा मोटा मोटी ये साउंड यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये एक नंबर का साउंड है उसको लो पास फिल्टर रखते हैं, और ये सेकेंड नंबर का साउंड है उसको अगर हम लोग हाई पास फिल्टर कर देते हैं तो क्या होता है। अब हमें देखना यह है कि अगर सपोज मैं ये जो लो पास फिल्टर है इसका अगर मैं उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर मैं सपोज यहां से कम करता हूं, इसको मैं 90 करते हैं, तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये जो दो नंबर का साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी एक नंबर के फ्रीक्वेंसी के ऊपर थोड़ा बढ़ के आ रहा है। अगर मैं दो नंबर का साउंड ऑफ करता हूं ये साउंड हो गया, अगर मैं उसको दो नंबर का ऑन करता हूं, देखिए साउंड मैजिक कितना चेंज हो गया। अभी हमारा साउंड ऐसा लगता है कि ये सही में जैसे हम सेक्सोफोन सुनना चाहते हैं वैसा सेक्सोफोन है। अगेन मैं एक बार एक नंबर का साउंड बंद करके देखता हूं, ये चल रहा है, और इसको मैं दो नंबर ऑफ करके एक नंबर, तो ये नॉर्मली लो पास फिल्टर के साथ चल रहा है, इसको मैं अभी दो नंबर इसके साथ मिक्स कर देता हूं। तो एक नंबर के साथ दो नंबर मिलने के बाद हमारे साउंड में अगर आप ये मेरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है शायद आपको वो साउंड क्वालिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मुझे श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये लो पास फिल्टर के साउंड के साथ सेम को रिपीट करके हमने HPF कर दिया तो साउंड का क्वालिटी इतना डिसेंट हो गया है। ये दो नंबर का साउंड ऑफ, तो इसके साथ इफेक्ट मिक्स करना और ये सब तो बहुत बात की बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी हमने क्या करा है LPF और HPF दोनों को मिला के अभी हमने एक उसी साउंड को इतना फाइन टचअप दे दिया है कि वो रियल साउंड के बहुत नजदीक आ गया है। अभी तक तो हमने इसके साथ कुछ किया ही नहीं है, चाहे तो बाद में हम जितना इफेक्ट वगैरह ऐड करना उतना कर सकते हैं। यही प्रोसेस अगर आपको करना है जहां पर आपको कोई साउंड में थोड़ा शार्पनेस आपको अच्छा चाहिए और ऐसा करके कोई मैजिक क्रिएट करना है, जैसे आपको शहनाई का साउंड बनाना है तो शहनाई के साउंड के लिए ये HPF आपको बहुत सपोर्ट करेगा जो आपके साउंड को ब्राइटनेस देगा। एक हमारा ये जो दो नंबर या चार नंबर हम जिसपे भी रखें वो हमारे साउंड को एक एक ब्राइटनेस देगा, और ये लो पास फिल्टर है वो आपके साउंड को थोड़ा बेज ही देगा। तो दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के आपको इतना डिसेंट साउंड मिलेगा कि जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको बहुत अच्छा एक अपीयरेंस भी देगा। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। अब ये सेक्सोफोन अगर आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई परफॉर्मेंस के लायक है। Thank you.
जैसे मैंने एक और दो दोनों साउंड को साथ में चालू कर दिया तो बहुत ही अच्छा, एकदम अच्छा साउंड मिल रहा है। तो सिर्फ छोटा सा एक फंक्शन था LPF और HPF, लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर, इन दोनों का यूज करके हमने एक बहुत अच्छा साउंड क्रिएट किया है। और आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको शायद अच्छा लगा होगा, और अगर फिर भी इसमें अगर आपको कोई कमेंट्स लगता है या फिर आप उसके अंदर कोई सजेशन है तो आप जरूर बताइएगा बाद में। तो ये जैसे जैसे आपको रेजोनेंस बढ़ाना है तो रेजोनेंस बढ़ा सकते हैं, कट ऑफ फ्लो वगैरह, तो ये डिपेंड्स आपके ऊपर है, जो जो आपको इसके साथ काम करना है वो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आज का ये सेशन किया था लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर, और उसी के साथ में हम लोग और भी है इसमें बैंड पास फिल्टर और ये PKG। तो यहाँ से हम इन पांचों फिल्टर का अलग, मतलब चारों फिल्टर और ऑफ इसका यूज कर करके हमारा जो भी डिजायर्ड हमारे साउंड है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।